हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ वीकली फोरकास्ट। माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, नॉट फॉर योर मून साइन एंड नॉट फॉर योर जॉडिक साइन। ये वीक 22nd ऑफ जनवरी 2018 से लेकर 28th ऑफ जनवरी 2018 तक है। मेरी सारी प्रेडिक्शन, मेरी सारी भविष्यवाणियाँ आपके लगन राशि पर आधारित है, ना कि आपके मून साइन और ना ही आपके जॉडिक साइन पर। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैंसर असेंडेंस। फॉर कैंसर असेंडेंस 22nd ऑफ जनवरी 2018 टू 28th ऑफ जनवरी 2018, गाइज आपके लिए ये वीक थोड़ा सा स्ट्रगलसम है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो। राहु का आपके असेंडेंस में ट्रांजिट, केतु का सन के साथ और वीनस के साथ आपके सेवंथ हाउस में ट्रांजिट। जो लोग अनमैरिड हैं और जो शादी के बारे में सोच रहे हैं कैंसर असेंडेंस के लोग, उनके लिए पीरियड ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है। आपको कुछ भी आगे से चीटिंग मिल सकती है या आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। तो बेटर है कि आप शादी के या किसी किस्म का कोई आने वाले लाइफ से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप 10-15 दिन रुक के लेंगे तो आपके लिए प्लैनेट्स आपकी फेवर में होंगे। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये पीरियड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कन्फ्यूज़न है, डिले है, आप जैसी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हुए हो वो आपकी फुलफिल नहीं होंगी। कैंसर असेंडेंस राहु का आपके असेंडेंस में ट्रांजिट कहीं ना कहीं पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी थोड़ा सा स्ट्रगलसम है। पैसा ज़रूर आएगा लेकिन सेविंग्स इस वीक में ज़रा भी नहीं है, ओवर एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। अब ऐसा क्या करें जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले और हमारा ऑरा पॉजिटिव रहे? गाइस, सबसे पहले आपको शिव जी की उपासना करनी है। रोज़ सुबह जल्दी उठकर आपको शिव चालीसा का उच्चारण करना है। जितना ज़्यादा आप शिव चालीसा का उच्चारण करेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स आप यूनिवर्स में भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप वहाँ से पाएंगे। कैंसर असेंडेंस ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय है। आपका असेंडेंस और आपका सेवंथ हाउस राहु केतु के ट्रांजिट से इस समय इफेक्टेड है। गाइस, इस समय में कोई भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, और जिनके ऊपर राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है उनके लिए ये पीरियड ज़्यादा स्ट्रगलसम है। शिव जी की उपासना करना, एवरीडे मॉर्निंग शिव टेम्पल में जाना, गाइस आपके लिए कैंसर असेंडेंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रिवार्डिंग रहेगा। जितना ज़्यादा आप शिव जी की वर्शिप करेंगे उतना ज़्यादा डिवाइन ग्रेस आपके फेवर में होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।